अच्छा जी, आज हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान और चाइना में राशन तकसीम करने का क्या फ़र्क है। जो चाइनीज़ लोग हैं वो राशन तकसीम करते हैं किस तरीके से, वो घर तक लोगों को पहुँचाते हैं। जो पाकिस्तान है वो अपने पास बुला के लोगों को जलील करते हैं। हम मुसलमान हैं, वो बुद्ध मज़हब है, ठीक है। देखिए हम क्या करते हैं, हम बांटते हैं लोगों को, घरों में बुलाते हैं, ठीक है, उन्हें पूरा जलील करते हैं। तो वो क्या करते हैं, घर तक पहुंचा के आते हैं। तो भाई देखिए, हम मुसलमान हैं तो हम अपना क्या कर रहे हैं, एक शो पीस लोगों को दिखा रहे हैं कि हमारी वाह वाह हो, शोहरत हमें हासिल हो, फलां फलां चोरी साहब राशन बांट रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें होना चाहिए कि किसी गरीब की इज्जत ना उछाली जाए, उसके घर तक उसकी जो है रिज़्क पहुंचाया जाए और सेफ़ तरीके से उसकी हेल्प हो, ताकि दूसरे बंदे को पता भी ना चले। तो इस तरीके से आप लोगों की हेल्प करें, ना कि लोगों की इज्जतों को उछालें, लोगों की गुरबतों के जनाजे निकालें। इससे आप दे तो सकेंगे लोगों को, बाज़ारी तौर पे आप वावेला लोगों की शोहरत लोगों के सामने हासिल कर लेंगे, लेकिन अल्लाह की नज़र में आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, अल्लाह को आप खुश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अल्लाह ऐब छुपाने वाला है, आप लोगों के ऐबों को जाहिर कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सफ़ेद पेश लोग हैं जो कि आपकी मदद के मुंतज़िर हैं, लेकिन वो ऐसे लाइनों में लग के और लोगों के सामने आपका राशन नहीं उठा सकते, ठीक है कि नहीं। आप इस तरह से सेफ तरीके से लोगों की हेल्प करें कि लोग का पर्दा रह जाए, और जब लोगों के ये पर्दा रह जाएगा तो लोग आपसे खुश होंगे, तो अल्लाह भी आपसे खुश होगा। तो इस तरीके से गरीब लोगों की हेल्प करें, ना कि लोगों की गुरबत के जनाजे निकालें। आप 11 बजे उठते हैं तो लाइनें लगी होती, चौधरी साहब